WHG। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। दोस्तों, फरवरी की पावर रैंकिंग आने में थोड़ा समय लग गया, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी के महीने की पावर रैंकिंग। और वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं दोस्तों, पावर रैंकिंग किसी रेसलर की पावर को देखकर नहीं, उस रेसलर की उस या फिर पिछले महीने की परफॉर्मेंस को देखकर दी जाती है। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पे जो रेसलर आते हैं वो एक बेहतरीन हील है, और वो कोई और नहीं दोस्तों, वो है द मिज। जी हाँ दोस्तों, द मिज ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पिछले महीने वो लौटे थे और लौटते उन्होंने चैलेंज किया रोमन रेंस को आईसी टाइटल के लिए, जहां दोस्तों रॉ में उनकी फाइट हुई और वो बन गए न्यू आईसी चैंपियन। रॉयल रंबल में उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन दोस्तों वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एलिमिनेशन चेंबर का वो पार्ट है, इसलिए नंबर 10 पर आते हैं द मिज। अब हम चलते हैं दोस्तों नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 पर एक डीवा आती है, जैसे कि मैंने आपको कहा था हम डीवा को डालेंगे। तो नंबर 9 पे आती है दोस्तों आस्का। जी हाँ दोस्तों, आस्का शायद मेरी पावर रैंकिंग में पहली ऐसी महिला है जो कि आई है, और नंबर 9 पे आस्का इसलिए आती है क्योंकि वो काफी समय से अनडिफीटेड चल रही है। और रॉयल रंबल, जी हाँ दोस्तों, पहली बार जब वुमन रॉयल रंबल खेली गई तो उसमें उनकी जीत हुई है, तो इसी कारण से द अनडिफीटेड आस्का आती है नंबर 9 पर। अब हम चलते हैं दोस्तों नंबर 8 पर। नंबर 8 पर आते एक बेहतरीन रेसलर और सभी के प्रिय द मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। जी हाँ दोस्तों, नंबर 8 पर आते हैं जॉन सीना। जॉन सीना जो कि काफी समय से अंदर बाहर चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों अब वो एक पार्ट टाइमर की तरह WWE में आने लगे हैं, इसीलिए दोस्तों वो इस रैंकिंग में काफी नीचे आते हैं। हालांकि उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस बीते महीने में दोस्तों। रॉयल रंबल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे एलिमिनेशन चेंबर में अपनी जगह बना ली है। लेकिन अब हम चलते हैं दोस्तों नंबर 7 के ऊपर, और नंबर 7 पर आते हैं बॉबी रूड। जी हाँ दोस्तों, बॉबी रूड जब से स्मैकडाउन के यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बने हैं तब से उन्होंने स्मैकडाउन में 4 चांद लगाए हुए हैं, और हमें कहना पड़ेगा कि उन्होंने स्मैकडाउन को ग्लोरियस बनाया हुआ है। साथ ही साथ उनकी राइवलरी भी काफी अच्छी चल रही है रैंडी ऑर्टन के साथ, और दोस्तों पावर रैंकिंग जो कि स्मैकडाउन में हुई थी उसमें भी उन्हें काफी ऊपर स्थान मिला था। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 6 के ऊपर, और नंबर 6 पर जो रेसलर आते हैं वो है शिंस्के नाकामुरा। जी हाँ दोस्तों, शिंस्के नाकामुरा जो कि 2018 के रॉयल रंबल विनर है, वो आते हैं नंबर 6 के ऊपर। किसी को नहीं लगा था दोस्तों कि शिंस्के नाकामुरा जीतेंगे, लेकिन मैंने लगभग 2 से 3 महीने पहले बता दिया था कि शिंस्के नाकामुरा के काफी ज्यादा चांसेस है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ऊपर आई का बटन आ रहा है, और ये जो वीडियो थी दोस्तों ये मैंने 29 नवंबर को पोस्ट की थी, और इसमें मैंने बताया था कि शिंस्के नाकामुरा के चांसेस काफी ज्यादा है। खैर वो बात गई, लेकिन शिंस्के नाकामुरा दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो आते हैं नंबर 6 पर। अब हम चलते हैं दोस्तों नंबर 5 पर। नंबर 5 पे जो रेसलर आते हैं वो दोस्तों वो आपको चौंका देगा, और वो कोई और नहीं दोस्तों, वो है ब्रॉक लेसनर। अब आप बोलेंगे ब्रॉक लेसनर को आपने इतने नीचे क्यों डाला है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं, लगभग 1 महीना हो चुका है कि हमने ब्रॉक लेसनर को WWE रिंग में नहीं देखा है, और उनके फैंस भी खासा नाराज है दोस्तों इसी बात से कि उन्हें ब्रॉक लेसनर की कोई फाइट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये दोस्तों ब्रॉक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट में है कि वो कम से कम फाइट करेंगे, तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया में, और देखने वाली बात ये होती है कि वहां वो कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी के लिए वो आते हैं नंबर 5 पर। अब हम चलते हैं नंबर 4 के ऊपर, और नंबर 4 पे जो रेसलर आते हैं दोस्तों वो आते हैं द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो विनिंग रेशो है वो काफी ऊपर चल रहा है, ज्यादातर फाइट्स वो जीतते हैं दोस्तों, और उनकी डिस्ट्रिक्शन का तो क्या कहना। साथ ही साथ दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE काफी अच्छा बुक कर रहा है, जिसका सबूत पिछली रॉ में गॉन्टलेट मैच का जीतना सामने है दोस्तों, तो इसीलिए नंबर 4 पर आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। अब हम चलते हैं दोस्तों नंबर 3 के ऊपर, और नंबर 3 पे जो रेसलर आते हैं वो आप में से ज्यादातर लोगों को प्रिय है, और वो कोई और नहीं दोस्तों, वो है रोमन रेंस। तो दोस्तों रोमन रेंस की इतने नीचे रैंकिंग में आना ये दोस्तों उनकी हार के कारण है, जो कि 3 हार उनकी हुई है। पहली हार दोस्तों उनकी रॉ की 25th एनिवर्सरी पर हुई थी, जो कि हुई थी दोस्तों द मिज के खिलाफ फॉर द आईसी चैंपियनशिप,
उसके बाद रॉयल रंबल में उनकी हार और हाल ही में दोस्तों उनका गॉन्टलेट मैच का हारना उन्हें लाता है नंबर 3 पर। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर रोमन रेंस नहीं जीतते हैं एलिमिनेशन चेंबर तो उसका क्या कारण होगा, लेकिन लोगों को लगा कि मैं ये कह रहा हूं कि रोमन रेंस नहीं जीतेंगे एलिमिनेशन चेंबर। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी रेसलर के है एलिमिनेशन चेंबर जीतने के तो वो है रोमन रेंस। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 2 के ऊपर, और नंबर 2 पे जो रेसलर आते हैं दोस्तों वो आपको चौंका देगा और वो कोई और नहीं, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब दोस्तों नंबर 2 पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस क्यों आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सेथ रॉलिंस की दोस्तों जब से जुदाई हुई जेसन जॉर्डन के साथ तब से लगा कि वो यहां ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन वहां से उन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया, लगातार उनका फाइट का जीत था दोस्तों। साथ ही साथ पिछले गॉन्टलेट मैच में दोस्तों 62 मिनट तक परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात है किसी रेसलर के लिए, इसीलिए नंबर 2 पर आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब हम चलते हैं दोस्तों नंबर 1 के ऊपर, और नंबर 1 पे जो रेसलर आते हैं वो कोई और ही दोस्तों, वो है द फेनोमिनल वन AJ Styles। तो दोस्तों AJ Styles एक डिफेंडिंग चैंपियन है और रॉयल रंबल पेपरव्यू में उनका केविन ओवंस और सैमी ज़ेन को एक साथ हराना एक हैंडीकैप मैच में दोस्तों उन्हें लाता है नंबर 1 के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों जो AJ Styles है उनकी परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार आया है, हालांकि उनकी फाइट्स बेहतरीन नहीं हो रही है जिसका मुख्य कारण दोस्तों उनकी बेकार बुकिंग है, लेकिन वो एक डिफेंडिंग चैंपियन है और वो ही दोस्तों अभी WWE का फेस चल रहे हैं, तो इसीलिए नंबर 1 पर आते हैं द फेनोमिनल वन AJ Styles। दोस्तों आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर, बैंक।